यहाँ देखे हुए का बहुत बहुत स्वागत है आपका. यू नो फाइनली वो दिन आ ही गया तब मैंने उस कॉन्टैक्ट कर लिया. जी बिल्कुल, फाइनली वो दिन आ ही गया. और अभी तो जो चल रहा है वो ये है कि अच्छी खासी गिल साहब की पिटाई हो रही है क्योंकि उन्होंने किडनैप किया हुआ था. तो जिनका इसके पीछे हाथ है वो भी आप सब लोग, वो सरेआम ही है, आप लोग जानते ही हैं किनका हाथ था. और धीरे धीरे वो भी, उनके चेहरे भी नंगे हो जाएंगे अब. और अब जो हरमन है वो पहुंच गया है और गिल साहब से छुड़वा ही लेगा. कैसे आप पीछे आई, नो आपने भी फाइटिंग की है, डंडे से मार की है, कुछ मुझे कई बार ऐसे लगता है साया को विरासत में मिली है कि जहाँ भी देखती है मौका मिलता है फाइट करने लग जाती है. तो क्योंकि जैसे सभी जानते हैं कि सौम्या को साया अपनी बेटी ही मानती है, तो जब भी बेटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो माँ ढाल बन के खड़ी हो जाती है. तो यहाँ भी हम सभी सौम्या के लिए ढाल बन के खड़े हुए हुए हैं और इसीलिए सौम्या को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए. और साया भी पीछे पीछे आती है इन सबके, और जैसे ही वो देखती है कि सब गन पॉइंट पे हैं तो साया अपना डंडा वार स्टार्ट कर देती है. चलिए यहाँ तो आपने बचा लिया, लेकिन इसके बाद भी बड़ा ड्रामा होने वाला है. जब समीर को गोली लगने वाली है, मतलब बचाते हो जाते हैं, उसके बाद देखिए समीर को गोली लगेगी, फिर सौम्या एज यूजुअल प्रे करेगी, फिर साया एज यूजुअल उसे कहेगी भाई तेरी दुआ खाली नहीं जाएगी, तो सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. यस, माँ तो अपनी बेटी के लिए हमेशा ही खुश रहती है और खुश होती है. और इस सिचुएशन में जिसमें सौम्या और हरमन दोनों बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी स्ट्रगल फाइनली धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स मदर तो एक खुशी होगी ना. मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली सौम्या और हरमन हैं जो वो मिल रहे हैं. और आपने सही कहा, दर्शक भी यही चाहता है कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे. थैंक यू.